मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भिवानी के डाडम में खनन के दौरान पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हिसार के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और ये हादसा जहां हुआ वहां एक खान है, इसी के पास पहाड़ से पत्थर गिरे जिससे ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के वक्त खान में लोग भी मौजूद थे। और बताया ये भी जा रहा है कि रेस्क्यू टीम एक्टिव है, वो लगातार लोगों को मलबे से निकालने का काम कर रही है। तो बता दें कि अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर मौजूद है, लगातार काम किया जा रहा है, पहाड़ों को काटकर मलबा हटाया जा रहा है। यहां बता दें कि पहाड़ खिसकने की वजह से 10 वाहन भी दब चुके हैं और 10 से 20 लोगों के दबे होने की भी आशंका है। साल के पहले ही दिन बड़ा हादसा भिवानी में, लेकिन पुलिस प्रशासन अल सुबह से ही मशरूफ था इस कवायद में कि किस तरह से जो है रेस्क्यू किया जाए। खुद भिवानी के डीएम लगातार अल सुबह से यहाँ डटे हुए हैं। आरएस ढिल्लो साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, आखिर हादसे की वजह वो बाद में पता चल पाएंगी, लेकिन सबसे पहला काम यही है कि रेस्क्यू किस तरह से किया जाए। पहला सवाल यही सर, कितनी गाड़ियाँ अंदर दबी होने की आशंका थी, किस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई? जब सुबह हमें पता चला इस हादसे के बारे में, तकरीबन 9:30 बजे ये सुबह हादसा हुआ, और जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे पास सब है, तो उस वक्त माइनिंग एरिया में ही हादसा हुआ है, तो पहाड़ का एक पोर्शन उस वक्त जहाँ से सुबह अपना गाड़ियों में जो इनका माइनिंग का काम चल रहा था, तो ऊपर आके गिरा। तकरीबन 6 डंपर, 4 पॉकलैंड्स की गाड़ियाँ और 2 ट्रैक्टर्स उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, और टोटल अगर मैं इसको करूँ 4-6 तकरीबन 12 व्हीकल्स हो गए। 12 व्हीकल्स उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। 5 लोग निकाले जा चुके हैं सर, 3 शव जो है वो भी कब्जे में लिए जा चुके हैं, यानी 2 लोग घायल थे, घायलों का उपचार भी चल रहा है सर, क्या माना जाए और कितने लोग अंदर हो सकते हैं सर? अगर वाहनों के हिसाब से गिनती की जाए या जिस तरह की जानकारी, जिस तरह के कयास लगाए जा सके सर? जब व्हीकल्स का नंबर पता चला तो एक रफ एस्टिमेट जो हमारे पास फिगर था वो तकरीबन ये था कि 10 से 15 शायद लोग हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, और 5 लोगों को तो आपने बता ही दिया है। थोड़े से उस वक्त मौका से जो जिनकी किस्मत अच्छी थी शायद निकले भी हैं, और अभी जो लगता है तकरीबन ज़्यादा तो मैं टेंटेटिव फिगर बता सकता हूँ कि 3 या 4 लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि इससे कम भी हो, इससे ज़्यादा भी हो। 9 से 10 घंटे अभी होने को है सर रेस्क्यू के लिए पूरी तरह से, ये नहीं कहा जाएगा कि प्रशासन मुस्तैद नहीं था, पुलिस मुस्तैद नहीं थी, टीम मुस्तैद नहीं थी सर, वजह क्या मानी जा सकती है सर? अभी तक जो है बचाव कार्य में पूरा पत्थर को हटाया नहीं जा सका, पत्थर काफ़ी भारी या कोई और वजह इसके पीछे? नहीं, पत्थर क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, सो बोल्डर्स को उठाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स ही होते हैं, इसी के लिए हमने NDRF को भी रिक्वेस्ट कर दिया, NDRF की टीम पहुंच चुकी है, अब जितना भी पूरा रात को भी रेस्क्यू चलेगा, जो भी काम होगा उन्हीं की देखरेख में अब ये काम रात को। आर्मी की कोई, सेना की कोई टुकड़ी भी आई है? नहीं, सेना की हमने रिक्वेस्ट किया है, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो फिर, अभी तो NDRF का जो भी जिस हिसाब से रेस्क्यू करना है तो उन्हीं की दिशा निर्देश के अंदर ये रेस्क्यू ऑपरेशन। भिवानी डीएम के लिहाज से कब तक रेस्क्यू का कार्य पूरा कर लिया जाएगा सर, जिस तरह से काम चल रहा है? आपने भी देखा है कि जिस हिसाब से बोल्डर्स वहां पर हैं या जिस हिसाब से मशीन्स ट्रैप। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना का जिम्मेदार सरकार को उन्होंने ठहराया है। यहां बता दें कि रोहतक भिवानी हादसे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी निकलकर सामने आया है, उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भिवानी में डाडम में जो दुर्घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, और उसका पूर्ण रूप से दोषी हरियाणा सरकार है, वो एक हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, कम से कम 5-4 हज़ार करोड़ का घोटाला, अकेला वो घोटाला है,
और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने की भी इस पर टिप्पणी आई, हाई कोर्ट पे भी इसकी टिप्पणी आई, उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी अरावली पहाड़ को ख़त्म ना किया जाए, ये कैसे चल रहा था जबकि इन दो कंपनियों का आपस में झगड़ा था, एक ने ये भी कहा हमारे 28 करोड़ जो इनकी सिक्योरिटी थी वापस दी जाए, मतलब काफ़ी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हरियाणा के लोग चाहते हैं, जो आज अभी तक 7-8 जो है शायद शव मिल चुके हैं और काफ़ी लोग अभी दबे हुए हैं उसमें, जो हुआ है दुर्घटना हुई है इस बात की मेरी उन जो दिवंगत जो आत्माएं हैं उनसे मेरी सहानुभूति है और जो ईश्वर से दुआ है वो जितने और दबे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आए, यही प्रयास आप सबको करना चाहिए, लेकिन इस घोटाले की जांच जो है तुरंत की जाए, जुडिशियल जांच की जाए इसकी, क्योंकि ये बड़ा भारी घोटाला है और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद ये हुआ है। भिवानी हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद से डॉक्टर कमल गुप्ता पहली बार हिसार पहुंचे और हिसार पहुंचने पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और डॉक्टर गुप्ता के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। डॉक्टर गुप्ता ने यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इसके बाद से पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिसार में बन रहे इंटरनेशनल हवाई अड्डे का कार्य तेजी से चल रहा है, सरकार की पूरी कोशिश है कि दिसंबर 2022 तक हिसार में बड़ा हवाई जहाज उतर जाए। जुलाना हलके में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा ने दौरा किया। इस दौरान विधायक और सांसद ने रेलवे स्टेशन के पास भामाशाह पार्क, अटल पार्क, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया और बाद में वो हलके के गांव मालवी रोड के नवीनीकरण इमोला झमोला गांव में एससी चौपाल गढ़वाली गाँव में पार्क और जयजयवंती गाँव में गऊ घाट का उद्घाटन करने पहुंचे। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि आने वाले समय में जुलाना को एक शहर का बढ़िया रूप दे पाएंगे और जुलाना को नए कई नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे जुलाना नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा तरक्की के रास्ते भी अपने आप खुलते चले जाएंगे। कोरोना के खतरे के बीच प्रदेश में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि संक्रमण की रफ्तार चिंता का विषय है और ऐसे में सख्तियां बढ़ानी ही पड़ेंगी। ये भी उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पाबंदियां बढ़ाने के साथ साथ सख्ती करने पर फैसले लिए जाएंगे। वहीं नए नियमों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी जिलों के डेप्यूटी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं कि टीम्स गठित कर सभी संस्थानों को चेक किया जाए और जहां भी टीकाकरण नहीं करवाने वाले मिले उस संस्थान के संचालक पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए। जिनकी टीकाकरण की तारीख अभी ड्यू है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पड़ी तो पाबंदियां और लगानी पड़ेंगी और सख्त करनी पड़ेंगी क्योंकि कोविड जो है दोनों वेरिएंट डेल्टा भी और ओमिक्रॉन भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सख्ती तो करनी पड़ेगी और लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि वो खुद भी कोरोना नियमों की पालना करें, मास्क लगाएं, दूरी रखें और भीड़ भाड़ ना करें, ना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं। सभी उपायुक्तों को मैंने कहा है कि अपने अपने ज़िलों में वो टीम्स बनाएं जो सभी संस्थानों में जाकर रैंडम चेकिंग करें और जिन्होंने दोनों वैक्सीन नहीं लगा रखी है, क्योंकि हमने अनिवार्य कर दिया था कि पहली तारीख के बाद किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, बैंकेट हॉल में, दफ्तर में, बैंक में या जहां पर भी अधिक लोग होते हैं वहां पर बिना दोनों वैक्सीन लगाए कोई नहीं जा सकता। जिसकी ड्यू नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसकी ड्यू है अगर उसने नहीं लगा रखी तो वो दफ्तर में नहीं जा सकता और उसके लिए हमने जो भी उस संस्थान का मुखिया है उसको जिम्मेवार बनाया है कि वो चेक करे कि सर्टिफिकेट चेक करके ही अपने दफ्तर में या अपने संस्थान में वो आने दें। तो डिप्टी कमिश्नर्स की टीमें जाके चेक करेंगी, अगर कोई वहाँ पर बिना वैक्सीनेशन का पाया गया तो धारा 188 के तहत उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इसी को लेकर आज से तमाम जिलों में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की गई है। गुरुग्राम जिले की अगर बात की जाए तो 2007 से पहले जन्मे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगनी है। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 3 तारीख से लगने वाली वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस वक्त अगर हम बात करें गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के सेक्टर 31 का ये पॉलीक्लिनिक। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में तकरीबन 1,75,000 से ज़्यादा ऐसे युवा हैं जो कि जिनकी उम्र 15 से 18 के बीच में है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो उनका कहना है कि 2007 से पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो लोग आकर के वैक्सीनेशन करा सकेंगे 3 तारीख से। और ऐसे में जो 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। गुरुग्राम में जिस तरीके से अगर बात की जाए 37 ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि इसके अलावा जगह जगह अलग से सेंटर भी लगाए जा रहे हैं और खासकर 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो उनके लिए अलग से डेस्क जो है, अलग से जो काउंटर है वो बनाया जाएगा। यहाँ बात करें तमाम जगहों पर जहाँ पर है, लेकिन इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन की भी बात करें क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो रही है तो ऐसे में 50% रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा और 50% जो है वो बच्चे जा कर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगवा सकेंगे। तो इसको लेकर के हालांकि 3 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी 15 से 18 साल तक के लिए जो कि 2007 से पहले जन्मे हैं ये उनके लिए रहेगा, लेकिन आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत है। लेकिन 50% जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन करवा सकेंगे। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि स्कूलों और कॉलेजों से भी बात की गई है, उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को जो है वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। खासकर जो बच्चे 11th में 12th में पढ़ रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं ये उम्र रहे ऐसी, तो ऐसे में या फिर हम 10th की बात करें 9th की बात करें तो उनके लिए ये रहेगा। तो ऐसे में स्कूलों से भी बात की गई है ताकि स्कूलों में भी जो है इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया जा सके। तो ऐसे में तमाम प्रबंध जो है शिक्षा विभाग के साथ जुड़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। गुरुग्राम में 1,75,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको ये वैक्सीन लगेगी जो कि 15 से 18 के बीच में है, तो जिनके लिए 3 तारीख से हालांकि वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, 3 तारीख से उन्हें वैक्सीन लगेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो आज से उनके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तीसरी लहर को लेकर सोनीपत प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक जगह पर बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं दी जा रही है। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद से बस स्टैंड परिसर में वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि निजी बस संचालक प्रशासन के नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आए। बस स्टैंड पर इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने जायजा लिया। बस स्टैंड पर प्रशासन नियमों की पालना करवाने की पुरजोर कोशिश करता हुआ नजर आया। प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा सभी सरकारी और अलग अलग जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं दी जा रही है। सोनीपत का बस स्टैंड है और बस स्टैंड पर सबसे पहले आप विधायक सार्वजनिक सूचना जो है बोर्ड पर लिखी गई है कि यहाँ पर सरकारी कार्यालय में बस स्टैंड में कोई भी बगैर सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं होगी। जबकि तस्वीरें दूसरे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बारीकी से मुख्य गेट पर जो है सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं, अलग अलग जो यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन की हिदायत है कि कोई भी व्यक्ति जो है बगैर मास्क के बस स्टैंड परिसर में एंट्री नहीं करेगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर एंट्री कर रहा है उसके जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो चेक किया जा रहा है और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा कोरोना की तीसरी लहर वेरिएंट की अंदेशा बताई जा रही है, उसी के लिहाज से सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं और लागू भी किए जाने चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशासन द्वारा बस स्टैंड परिसर में वैक्सीन अभियान भी लगातार तेज गति से चलाया जा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। तो नो वैक्सीन नो एंट्री के सरकार के सख्त आदेश का यमुनानगर में पालन होता नहीं दिख रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने बस स्टैंड पर रियलिटी चेक किया। संवाददाता देवीदास शारदा की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आज 1 जनवरी है, सरकार के आदेश है कि नो मास्क नो वैक्सीनेशन
नो एंट्री। इस समय हम खड़े हैं बस स्टैंड यमुनानगर पर। मैं अपने साथी को कहूँगा वो दिखाएं कि बस स्टैंड पर किस तरह की स्थिति है, लोग मास्क लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, ड्राइवर है कंडक्टर हैं उनके मास्क लगे हैं नहीं लगे हुए, जो सवारी है उनकी एंट्री कैसे हो रही है। और यदि बस स्टैंड की बात करते हैं यमुनानगर की, तो कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मास्क का प्रयोग किया है, चाहे बस के ड्राइवर है कंडक्टर है, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें सरकारी प्रशासन की, तो राम जी हैं मौके पर मौजूद हैं, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी पालना कैसे करवाएंगे। सर आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर आज सरकार का आदेश है नो वैक्सीनेशन नो मास्क नो एंट्री, तो यमुनानगर डिपो में पूरे जिले में क्या स्थिति रहने वाली है। मैं आप लोगों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मैं भी देख रहा हूँ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालना करेंगे और विधायक जारी करेंगे, और जो मास्क नहीं पहन रहे उनसे सख्ती से जमना करेंगे। सर जिला यमुनानगर की बात करें तो कितने डिपो हैं, कितने सब डिपो हैं, कितनी बसें, कितना स्टाफ है और एंट्री भी है, तो कैसे आप ये पालना करवाएंगे। यमुनानगर डिपो का एक ही डिपो है, कोई सब डिपो नहीं। बस स्टैंड कितने बस स्टैंड है, जैसे यमुनानगर बस स्टैंड के डिस्ट्रिक्ट में एक है सब डिपो, सब बस स्टैंड है, 5 बस स्टैंड है, भदौर है, जगाधरी है, कतरौली है और बिलासपुर। तो सर कैसे पालना करेंगे, लोग मास्क पहने वैक्सीनेशन लगवाएं। हमारे जो अड्डे जो बैठते हैं इंचार्ज उनके हिदायतें जारी की जाएगी पालना करने के लिए, और ड्राइवर कनेक्टर को भी हिदायत दी जाएगी। सर जैसे आपने अभी भी ज्वाइन किया है, माना कि अभी लोग कम आ रहे हैं, आज पहला भी देना है, तुम्हारी ख्याल भी होती है, लोगों को पता भी नहीं होता भी करना है, तो कब तक माना जाए कि 100% पूर्ण रूप से सच्ची बची जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2-3 दिन के अंदर ही उनको सख्ती से पालना कराएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डीएम रोहित बालक राम जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अभी अभी जो है यहाँ पर ज्वाइन किया है, आज क्योंकि पहला दिन है लोगों को भी नहीं पता है, उन्होंने अपने स्टाफ की मीटिंग ली है, सबको सख्ती से बोला है कि वो मास्क डालकर आए, वैक्सीनेशन लगवाएं, तभी एंट्री होगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में नए नियम भी लागू हो चुके हैं, और इनके मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक जगह पर सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं मिल पाएगी। कैथल में नियम का किस तरह से पालन किया जा रहा है, हमारे संवाददाता मनोज मलिक ने इसका जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आज से 1 तारीख यानी 1 जनवरी से आज से कोई भी अधिकारी कोई भी नागरिक सरकारी कार्यालय में अगर जाए तो उसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और बिना मास्क उसकी एंट्री नहीं होगी। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा वैक्सीनेशन का तो सरकारी कार्यालय में उसकी बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी। मैं मौजूद हूँ कैथल के सचिवालय में, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं, या बात करें जिला उपायुक्त की बात करें, कैथल के जो पुलिस अधीक्षक है उसकी बात करें, तहसीलदार की बात करें, SDM की बात करें, SDO की बात करें, कृषि उप अधिकारी की बात करें, तो जो भी अधिकारी यहां पर एंट्री करेगा आज से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि कोई भी अधिकारी हो या आम नागरिक हो या कोई कर्मचारी हो, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सरकारी कार्यालय में कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी, और बिना मास्क कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। सर्टिफिकेट दिखाना होगा तभी एंट्री मिलेगी, वरना नो एंट्री के जो आदेश है आज से लागू कर दिए गए हैं, और अगर कोई भी इसकी उल्लंघन पालन नहीं करेगा तो उसको 188 IPC के तहत 0 से 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान भी जारी किया गया है। अब देखना ये होगा कि कैथल की जनता और कैथल के बड़े अधिकारी इसकी पालना स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की पालना करते हैं, या फिर ऐसे ही जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकने में समर्थ होंगे, या फिर ऐसे मामले लगातार बढ़ते रहेंगे, या फिर बड़े अधिकारी और कर्मचारी इसकी पालना करते नजर आएंगे या फिर नहीं। कैथल कैमरामैन पवन रावी के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
तो 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।